हमको सब समझता है। पर बेटा तू अगर लाइव स्ट्रीम पे आके बजा वापिस से सो लेक्टर, तू आके अगर हाँ हूँ करा, तेरा खुद का टीम में स्लॉट पक्का नहीं है दादा। लाइव स्ट्रीम पे आके हाँ हूँ मत करना, अभी नेक्स्ट टाइम भर डालेगा तेरे को। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जानती है, ठीक है, तुम मत डिसाइड करो तुम्हारी और मेरे प्लेयर की वैल्यू क्या है। तुम्हारी वैल्यू अगर मैं डिसाइड करने पे आ गया लाइव पे जाके, तो फिर वापस वो पुराना सब कुछ चालू हो जाएगा, तो वो मेरे को चालू कर। से भी स्टोरी नहीं देखा, जाके देखो। नहीं बे यार, लो था मैं। अबे तुम सुधाने आ रहे हो? इनको है ना भाई, क्यों आ रहे हो इधर? अबे उसको बोल दे चला रहा, उसको बोल दे चला रहा भाई, उसको बोल दे चला रहा। जाओ जाओ तुम लोग जाओ। अबे बढ़िया भाई, गान मरवाने आ रहे हो बे? आ रहे क्या रेप करने? चल 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 चल, आ जाओ जल्दी बता। और जाके पूछो उनको और देखो कौन सा स्क्रिप्ट रेडी किया उन लोग ने ये टाइम, ठीक है। ये मत बोलना कि हम लोग का टूर्नामेंट चल रहा था, हम लोग हैशटैग वन पे चल रहे थे और इनको पता नहीं था कि हम लोग उतरते हैं यहाँ पे, जबकि पूरे चार साल से सबको पता है कि सोल किधर उतरती है। और आके मार दिया और वो भाग गए ना। फिर अभी थोड़ा कवर अप करने के लिए एडबिट वापस से नेक्स्ट मैच उधर ही आती है पिकाडो। हम तो चूते नहीं है, हमको सब समझता है। पर बेटा तू अगर लाइव स्ट्रीम पे आके बजा वापस से सोल एक्टर, तू आके अगर हाँ हूँ करा, तेरा खुद का टीम में स्लॉट पक्का नहीं है दादा। लाइव स्ट्रीम पर क्या आऊँगा मत करना, अभी नेक्स्ट टाइम भर डालेगा तेरे को, समझा दादा। अभी लास्ट टाइम तेरे को सब लोग ने इग्नोर किया क्योंकि तेरा कोई इतना वैल्यू है नहीं, हम लोग ने रिप्लाई दिया तेरे को ना, तेरे सोल वालों ने कुछ करा, तो तेरा इतना वैल्यू है नहीं मार्केट में, समझ रहे। जब तेरा भाई कुछ बोलता है ना तो कम्युनिटी पूरी इन्वॉल्व हो जाती है, और तेरा कुछ है नहीं तो नेक्स्ट टाइम आके ना दादा भनभन मत करना तेरे लाइव स्ट्रीम पर आके, ठीक है। कल आया है, परसों निकल जाएगा तू, तेरे को याद भी नहीं रखेगा, तो बड़बड़ मत करना आके। तेरे को वापस से घास नहीं डालने वाला कोई, तेरे को 5,000 है, तेरे को 20,000 जीपे करेंगे, और हम लोग का पूरा टीम 20-20-20 जीपे करेगा। तो 5 लोग हम लोग टीम में 20,000 जीपे करेंगे, 1,00,000 होगा। BGS में MVP बन के मेरे को 1,00,000 मिला था, सेम उतने पैसे तेरे को दूंगा, ठीक है। बस भनभन मत कर आके लाइव स्ट्रीम पे, एक टाइम को टीमों पर दूसरे टाइम को तू ही कर रहा है, ठीक है। और जरा पूछो सोल वालों को जाके कि क्या ही है, क्या सीन क्या नहीं। दोस्तों यार देखो, सीरियसली जेन्युइनली अगर टीम अप करना होता ना तो लाइव ऑन स्ट्रीम सबके सामने टीम अप नहीं करते। तो भजना बंद करो और थोड़ा अकल लगाना चालू करो, ठीक है। अगर थोड़ा अकल लगाते तो गेम में भी तरक्की करते तुम लोग, और लाइफ में भी शायद तरक्की करते मेरे प्लेयर से ज़्यादा, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो तो बजना बंद करो, क्योंकि बहुत टाइम से शांत बैठा हो। अभी अगर मैं औकात पे उतरने लग गया ना वापस, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, अपने प्लेयर्स के लिए फिर से लाइव आ जाऊँगा। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको लग रहा था कोई फन स्क्रीम खेल रहे वो लोग, और वो गॉब्लिन ने हक दिया, ठीक है। अगर टीम अप करना होता तो स्ट्रीम पे ऑनलाइन सबके सामने टीम अप नहीं करते, खुल्ला बोल के, अगर एक्चुअली किसी इवेंट में करना होता तो बजना बंद कर दो अभी, क्योंकि पानी थोड़ा सर के ऊपर जा रहा है अभी। हर बार शान नहीं बैठूंगा मैं, और अगले बार सबके सामने लाइव पे मेरे प्लेयर को धमकी देने के पहले थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है। मेरे प्लेयर की वैल्यू क्या है वो मैं जानता हूँ, उसने वैल्यू क्या बनाई है वो मैं जानता हूँ, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जानती है, ठीक है। तुम मत डिसाइड करो तुम्हारी और मेरे प्लेयर की वैल्यू क्या है। तुम्हारी वैल्यू अगर मैं डिसाइड करने पे आ गया लाइव पे जाके, तो फिर वापस वो पुराना सब कुछ चालू हो जाएगा, तो वो मेरे को चालू करना नहीं है, ठीक है। जिस दिन मेरा प्लेयर हेक्टर स्ट्रीम पे जाके कुछ बजा था किसी के अगेंस्ट, वही स्ट्रीम पे मैं जाके भरा उसको। वो लाइव स्ट्रीम शायद अभी डिलीटेड होगी, बट वो स्ट्रीम पे मेरा आवाज़ है जहाँ पे मैं उसको भर रहा, उसको गालियाँ डाल रहा, मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें अपने को नहीं करनी है, फिर मैंने वो चीज़ें सॉर्ट की है। बट अगर रेलेवेंस के लिए ये सब करना पड़ रहा है बार 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 बार, इवन तो मैं ये चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ, तो मैं इग्नोर करना बंद कर दूंगा अभी। रेलेवेंस बनाओ, गेम में बनाओ, ये सब चीज़ें करके रेलेवेंस मत बनाओ, और मेरे प्लेयर के बारे में आगे से बात मत करना पब्लिक में, ठीक है। कुछ भी करे मेरा प्लेयर है, मेरे से आके बात करो, मैं देख लूंगा क्या करना है। पब्लिक में मेरे प्लेयर को धमकी मत देना फिर से प्लीज़। गाइस मैंने स्टोरी और डिलीट कर दिया क्योंकि जस्ट मैं वर्कआउट करके आया था, तो थोड़ा सा पम्प्ड अप था, एकदम मूड में था मैं, एग्रेसिव। और प्लस तुम लोगों को तो पता ही है प्लेयर्स पे जब बात आती है तो थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से वंस अगेन, आई एम चूजिंग टू टेक द हायर रोड एंड कीप क्वाइट वंस अगेन। I don't know how many times I'm going to be able to do this, but फिर से कर रहा हूँ एक बार। But I think as audience, आप लोग के सामने ये सब चीज़ें अभी जो हो रही है, इसे आपको एक पता चल जाना चाहिए कि कौन किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। हेक्टर ने जब गलती की थी, मैंने उसको स्ट्रीम पे सबके सामने उसको माइक म्यूट कराए बिना मैंने भरा था सबके सामने, टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम, टू शो द वर्ल्ड कि हमारे प्लेयर्स गलती करते तो उनको हम लोग भरते हैं। गॉब्लिन के साथ भी हम लोग ने सेम किया था। बट इन द एंड अगर किसी को अलग ही चीज़ों पे फोकस करना है तो देर इज नथिंग आई कैन डू। एक और बार शान बैठता हूँ, देखते आगे क्या होता है। बाकी तो आप ऑडियंस हो,
आई थिंक आप लोग यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हु इज डूइंग व्हाट फॉर व्हाट रीजंस. बाकी हम लोग देखते हैं यार, परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं. और जो हेक्टर ने बोला है ना कि पता नहीं था लाइव हो रहा है, वो थोड़ा सा अगेन एजुकेशन लगा लो. मतलब थोड़ा ये दिमाग कम हो रहा है तुम लोग का मेरे हिसाब से, वो वाले फैन बेस का, कि उसने जब बोला ना कि पता नहीं था लाइव, वो इवेंट की बात कर रहा था क्योंकि तभी वो खुद लाइव था. मतलब खुद लाइव हो के वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि अरे पता नहीं था लाइव हो रहा है. मतलब थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा लो और अच्छे लोगों को आप लोग फॉलो करो और लॉजिक वाले लोगों को फॉलो करो, तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या चल रहा है मतलब इंडस्ट्री में. तो थोड़ा सा दिमाग अगर हल्का सा लगा, तीन लोग लाइव थे टीम में से. व्हेन ही सेड कि पता नहीं था लाइव हो रहा है, ही मेंट कि इवेंट लाइव हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, इज व्हाट ही बेसिकली मेंट. बट मतलब मैं ही शायद पागल हूँ जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लॉजिक लगाओगे तुम लोग, आदत से हो गई है अभी तो.